सो गाइज, हमें चैलेंजेस लेना काफ़ी पसंद है। सो आज हम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं एमएस के व्लॉग्स का। तो अभी मैंने उनके चैनल पे देखा कि उन्होंने एक चैलेंज रेज किया है, जिसके अंदर की कुछ एक्टिविटी दी है उन्होंने, अगर उसे हम ब्रेक करते हैं तो 10,000 रुपए का वहाँ पे प्राइस भी रखा गया है। तो हम ट्राई करेंगे कि अगर उसे तोड़ पाते हैं तो अच्छा रहेगा। एंड अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे, और 6 बजे तक एंट्रीज खुली है। तो 6 बजे से पहले पहले हमें वीडियो शूट करके वहाँ पे करना है अपलोड। तो करना क्या है इस चैलेंज में, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको करना है वो है कप और स्पून वाला। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा हथौड़ा। हथौड़े वाला चैलेंज। हाँ, हथौड़ा चैलेंज सही नाम है भाई। आपको करना है हथौड़ा चैलेंज। हथौड़ा चैलेंज में आपको कप रखना है, आपको सेम साइज के 2 स्पून लेने हैं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, एक स्पून से आपको मार्क करना है, फिर वहां से दूसरा स्पून जैसे हमने वीडियो में दिखाया था सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। और आपको कहना लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, और 1 मिनट के अंदर जो सबसे ज्यादा करेगा वो जीत जाएगा 10,000 रुपए। यहाँ पे कप है अपना, और इससे 1 स्पून दूर हमने यहाँ पे ये मार्किंग की है, ये रिमार्कर से। यहाँ पे हम रखेंगे स्पून को कुछ इस तरीके से, और अब करने जा रहे हैं हम चैलेंज। Round 1. सो आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। मिस। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अभी लैपटॉप टूटते टूटते बचा। Round 2. लोहा गरम है, मार दो थोड़ा। सो क्लोज। टाइम अप। 2 ट्राई हमने कर ली है, अब करेंगे तीसरी ट्राई। Round 3. बिल्कुल मिस हो गया यार। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। 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 1। तो एक बार तो हमने कंप्लीट कर दिया है, बट यार इतना हैक्टिक, 5:50 हो रहे थे उस टाइम, तो वीडियो शूट हो रहा था मेरा, तो जल्दी से वीडियो शूट कर करा के थोड़ा सा टाइम और होता आधा घंटा, तो 5 से 6 बार स्पून आराम से डाल देते। तीसरी ट्राई के अंदर एक बार हमने स्पून डाल दिया, और फिर मैंने लगाई अपलोडिंग पे फाइल। तो भाई का एक सिस्टम था, वहाँ पे वेबसाइट दी थी उन्होंने, लिंक दिया था नीचे, वेबसाइट के अंदर जाके मैंने वहाँ पे वो वीडियो अपलोड किया। तो भाई साहब स्पीड ना आई, 200 kbps, 250 kbps, ये वाली स्पीड आ रही, भाग के गया छत पे। तो जल्दी जल्दी से अपलोडिंग हुई हुई हुई, 90% हुआ। इतने में 6 बज गए। एमएस के भाई ने कहा था कि 6 बजे तक जो एंट्रीज आती हैं उन्हें ही एक्सेप्ट करेंगे, तो अपनी एंट्री जो है वो 6:01 पे हुई है। तो देखते हैं अगर हम जीत पाते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, पार्टिसिपेशन किया एटलीस्ट हमने, वहाँ पे परफॉर्म किया। तो एक बार हमने उसको कंप्लीट भी किया चैलेंज को, एंड अगर जीतते हैं तो 10,000 रुपीज़ कैश प्राइज हमारे अकाउंट में आएगा। और कल भी एक इसी तरह का एक और चैलेंज है, उसके अंदर 15,000 रुपीज़ कैश प्राइज है, तो उसको ज़रूर परफॉर्म करेंगे हम। आज वाले का क्या है, वीडियो मैंने अभी चेक किया था थोड़ी देर पहले, तो भाई ने बोल रखा था 28 तारीख की शाम 6 बजे तक है इसकी एंट्रीज़। तो मैंने कहा यार अभी बनाना ज़रूरी है वीडियो फिर इस पर, तो जल्दी फटाफट मैंने कैमरा उठाया, सेटअप किया। सेटअप क्या किया, जुगाड़मेंट किया, ये देखो यहाँ पे अपना पीसी वगैरह सारा कुछ नीचे पटक के टेबल खाली करके इस पर लगाया सारा सेटअप, और जल्दी से कंप्लीट करके चैलेंज, और जस्ट अभी आया हूँ। और अपलोड करने के लिए फिर मेरे को जाना पड़ा ऊपर, और ऊपर जाके अपलोड किया मैंने, तो 6:01 पे एंट्री गई है अपनी। अब देखो अगर जीतते हैं तो फिंगर क्रॉस्ड है अपनी, अगर ना जीते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमने पार्टिसिपेट किया और परफॉर्म भी काफ़ी अच्छा किया। तो इधर लगा है हमारा ये जो चार्ट लगा है, इसमें से हमने 3 दिन कंप्लीट कर दिए हैं, और यकीन मानिए पहले 3 दिन तो इतने आराम से निकल गए, पता भी नहीं चला इतने इजीली गए। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है तो अब जाके फील हो रहा है कि दिन जो है वो थोड़ा धीरे स्लो चल रहे हैं, तो टाइम ऐसे लग रहा है थोड़ा रुक के चल रहा है। तो होगा क्योंकि सेम चीज़ रिपीट में है ना, अभी तो 21 दिन तक सेम चीज़ को रिपीट करेंगे, तो धीरे धीरे हम बोर ही होंगे उस चीज़ से, क्योंकि
क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं हम तो उससे मन भर जाता है, तो सेम यही कंडीशन हो रही है। लेकिन जैसे आज हमने कुछ नया किया, जैसे ये वाला चैलेंज किया तो काफ़ी अच्छा लगा, इससे तो कुछ नया भी हुआ तो काफ़ी अच्छा रहा। एंड अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम आज का। सो फाइनली जो चौथा दिन है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया, तो ओवरऑल 4 days कंप्लीटेड एंड पीछे अभी हमारे पास 17 दिन बाकी हैं। एंड अभी बज रहे हैं 10:30, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे कल सुबह। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। कल मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।